महंगे पड़ेंगे कि आपको महंगे पड़ेंगे वो बात पता नहीं, इसलिए आप हमारी चिंता मत करिए। संजय राउत प्लीज स्टार्ट। डेप्यूटी चेयरमैन सर, लगभग सभी बातें सामने आ चुकी है। इस मामले में घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, ये तो सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तो निश्चित है, गोलमाल जरूर है, ये सब गोलमाल है। और एक जब गोलमाल होता है तो आगे घोटाला भी उसका सामने आता है। जैसे शरद यादव साहब ने कहा कि मिलान कोर्ट में एक जजमेंट आया है और हमारे यहाँ ढोल बजने लगे, ढोल तो बजेगा ही। इस मामले में हमारे कोर्ट का जब जजमेंट आएगा और असली गुनहगार जेल में जाएंगे तो ढोल बजेगा और फटाके भी बजेंगे। और डॉक्टर स्वामी जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है वो मौका हमें मिलेगा। डिप्टी चेयरमैन सर, जैसे रामगोपाल यादव जी आप बोल रहे थे, हमें भी दुख होता है कि देश के डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में, जवानों के मामले में रिश्वतखोरी का मामला आता है और हम सबको यहाँ इस तरह से बात करनी पड़ती है तो लगता है ये देश का अपमान है, हमारे जवानों का अपमान है। जो सियाचिन में बैठे हैं, खड़े हैं, जो नथुला पास में है, कहाँ कहाँ है, लड़ाख में है, श्रीनगर में है, कश्मीर में है, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जो सौदा है 3,600 करोड़ का, आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें लगभग 250 करोड़ का कमीशन रिश्वत देने की बात आई है, उसमें कौन भागीदार है, क्या है, किसको कितना हिस्सा मिला है, किसी ने बांट के खाया है, किसी ने घर में रखा है, किसको कितना मिला है, ये सरकार को मॉरिशस में ये सरकार को ढूंढना पड़ेगा। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं है सर, मैं मानता हूं कि ये देश के प्रतिष्ठा का मामला है और उसका हस्त्र भी बोफर्स तोप सऊदी सरीखा नहीं होना चाहिए, ये अभी हमको अभी तय करना पड़ेगा। सर बोफर्स सौदे में क्या हुआ था कि उसमें कमीशन लेने देने वाली बात साबित हुई थी, पैसा किसको मिला, किसको पहुंचा, इसके एविडेंस इसके एविडेंस भी सामने आए थे, एविडेंस थे, लेकिन हम दोषियों तक नहीं पहुंच पाए। बात संयोग की है, उस वक्त भी इटली का कनेक्शन था और आज भी इटली का ही कनेक्शन है और हमारे आंखों के सामने बोफोर्स का गुनहगार जो कौतरी थी था, हमारे आंखों के सामने भाग गया, उसके भगाया गया। तो ये जो बात है ये बहुत गंभीर बात है। दूसरी बात, जब जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो डिफेंस रिलेटेड सौदे के कमीशन की बात सामने आती है हमेशा। अब हमारे पूर्व एयर मार्शल है, उस वक्त के हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम आया है, उस वक्त के एसपीजी प्रमुख भी जांच के घेरे में आए हैं। ये लोगों ने हेलीकॉप्टर की उड़ान संबंधी स्पेसिफिकेशन में बदलाव किया, इस प्रकार का आरोप है, हेलीकॉप्टर की उड़ान ऊंचाई में बदलाव किया, ये सब किसके आदेश से हुआ ये हमको ढूंढना पड़ेगा और जल्दी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए कि हमारे पास पूरी एजेंसी सीबीआई है, ईडी है, सरकार है, ये मामला लंबा नहीं खींचना चाहिए। और जांच जो है मुझे विश्वास है निष्पक्ष तरीके से होगी। अगर जेपीसी की मांग उठती है तो जेपीसी भी होनी चाहिए उसमें, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जितना ये मामला लंबा खींचेंगे उतना हम सच से दूर जाएंगे, एविडेंस खत्म हो जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सर, जैसे भूपेंद्र यादव जी ने भी कहा था,
ये जो चर्चा हो रही है, मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में दीर्घकालीन नीति बनाने में मार्गदर्शक रहेगी। ये किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं है। जो सच सामने आया है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, हम न्यायालय नहीं है, निर्णय न्यायालय ले। लेकिन आज हमारे सामने इस सदन में हमारे साथियों ने जो एविडेंस, जो बातें सामने रखी है वो गंभीर है। इसलिए जिम्मेदारी सरकार की है कि अब ज़्यादा समय न लगाए और इस मामले में, हमारे रक्षा सौदे के मामले में जो कुछ घोटाला गोलमाल हुआ है वो जल्दी से जल्दी सामने आइए और सबके नकाब आप फाड़ दीजिए। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्री अहमद पटेल।